सिकंदर, बरसों बाद यूं अचानक वापस आ गए तुम। सारी जिंदगी तो तुमने परदेश में गुजार दी, अब यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद तो होगा तुम्हारा। जेबू को लेने आया था, इनकार कर दिया उसने। कैसे जाएगी वो तुम्हारे साथ? सारी जिंदगी इसने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है, तुमने पलट कर इसकी खबर नहीं ली, और अब आगे उसे लेने? बाबू उसका लौट कर आ गया मैं। जेबू आकल और बालिग है, इस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हम जेबू से मिलने आए थे, हम उसके साथ जबरदस्ती क्यों करेंगे? अगर वो हमारे साथ जाना नहीं चाहती तो ये उसकी मर्जी है। हम कभी कभार उससे मिलने आया करेंगे। चलो जी गुफ्ता, अल्लाह हाफिज। आपा, देखा आपने, सिकंदर लौट आया है, मगर इतने सालों में भी बिल्कुल नहीं बदला। वही जिद, वही अखड़पना। हमारी जेबू को साथ ले जाना चाह रहे। ये तो शुक्र है कि हमारी जेबू ने जाने से साफ इनकार कर दिए। बहुत अच्छा किया तुमने जेबू, इसको देखो, सारी जिंदगी परदेश में गुजार कर अब आ गया हकदार बनने के लिए। और देखा था उसकी दूसरी बीवी कैसे बढ़ चढ़ कर बातें कर रही थी, समीना की जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला इन लोगों को। अब देखो जेबू के पीछे पड़ गए हैं। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जेबू से मिलने आए थे, मिलकर चलेंगे, और अच्छा उनको भी पता चल गया कि जेबू को यहाँ से ले जाना इतना आसान नहीं। अच्छा आपा, बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं, चले आए। सिकंदर अचानक कैसे वापस आ गया? इतने बरसों के बाद उसे लौट आने का ख्याल कैसे आ गया? आपा, वो कह रहा था कि वो हमेशा के लिए यहाँ आ गया है, और उसने अपना घर भी ले लिया है, और अब वो चाहता है कि जेबू भी उसके साथ रहे। इस तरह तो जेबू की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। जेबू को वो कभी साथ लेकर नहीं जा सकता, हम उसे जाने ही नहीं देंगे। और देखो जरा, वैसा ही है सिकंदर, इतने अरसे के बाद भी वही जिद, वही अखड़ मिजाजी, वही सर्द मोहरी। जेबू बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें देखकर तो मैं हैरान ही रह गई, वो मेरे अब्बू हैं, मगर उनके अंदाज में कोई मोहब्बत, कोई शफकत नहीं थी। कितने सर्द से थे वो, मुझे तो वो एक अजनबी ही लगे। बेटा तुम क्यों उदास होती हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और देखो, जब रिश्ते टूट जाते हैं ना, फिर उनसे तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और हम सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम खुद को कभी तन्हा ना समझना जेबू, तुम कभी तन्हा नहीं रहोगी। इतने बरसों बाद उनको देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूं। अपनी अम्मी की जगह उनकी दूसरी बीवी, उन्हें देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। अरे वो तो अपनी दूसरी बीवी का आशिक है, समीना से तो उसने कभी मोहब्बत नहीं की, और आपा जेबू के बिना उसको कोई परवाह नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों वो जेबू को अपने साथ ले जाना चाह रहा है। जो वो चाहता है वो हम कभी नहीं होने देंगे। मुझे तो डर है कि वो दोबारा वापस ना आ जाए। हाँ तो तुम लोगों को यहाँ रहने की क्या जरूरत है? चलो तुम दोनों तैयारी करो, हमारे साथ चलो, वरना वो दोबारा भी यहाँ आएगा। अम्मी ठीक कह रही है, आप लोग हमारे साथ हमारे घर चलें। जेबू यूनिवर्सिटी भी वहीं से चली जाएगी। जेबू बेटा, तुम अपना सामान समेट लो, अब हम कुछ दिन आपा की तरफ ही रहेंगे। जी खाला मैं। जिद्दी माँ की जिद्दी बेटी, खूब तरबियत किए तहमीना बेगम ने, बदतमीज और बदतहजीब बना के रख दिया उसे। अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं सिकंदर? मीरा बच्चे, अब अपने कमरे में जाके स्टडी करें। जी मम्मा। चल।
शाबाश। सिकंदर, वो अकलमंद लड़की है, अपनी मर्जी की मानी। आजकल की जनरेशन ऐसी है, वो अपनी मर्जी करती है। वो पहले का दौर था कि बच्चों से जो बड़े कह देते थे वो वही करते थे। उस खानदान को नहीं जानती शिफ्ता, मैं माजी के अंधेरे में नहीं जाना चाहता। इसी वजह से मैं मुल्क छोड़ के गया था यहाँ से, ताकि किसी की परछाई भी मुझ तक ना पहुंच सके। लेकिन एक दिन तो मुझे यहाँ पे आना ही था। लेकिन अगर वो अपनी खाला के साथ खुश है तो उसे वहीं रहने दें। तुम तमीना को नहीं जानती, उसने जेबू को सिर्फ और सिर्फ अपनी खिदमत के लिए रखा हुआ। इस खानदान का कोई भी शख्स किसी के साथ कभी भी मुखलिस नहीं हो सकता। देखिए सिकंदर, पहले की बात और थी, जब समीना का इंतकाल हो गया तो तब जेबू बहुत छोटी थी, आप उसे अपने पास नहीं रख सकते थे। तब उसकी खाला ने उसे पाला, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, यूनिवर्सिटी जाती है, अपने फैसले खुद करती है। इतने सालों बाद उसने अपने बाप को अपने सामने देखा, क्या लगा आपको कि वो फौरन आपके साथ चली आएगी? मैंने देख लिया, जब वो वही कुछ करेगी जो उसके ननिहाल वाले उसे करने को कहेंगे, और उसके ननिहाल वालों ने सिर्फ उसे एक बात सिखाई है कि अपने बाप से नफरत करो। सिकंदर, कल को उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, उसके ननिहाल वाले बहुत पीछे रह जाएंगे, उसकी खाला कब तक उसे अपने पास रखेगी? पैकिंग हो गई, चलते हैं। हाँ, बस कुछ ही चीजें रहती हैं। सेबू, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं खौफ सदा नहीं हूं, अगर वो मुझे हाथ से पकड़ कर ले जाते तो भी मैं नहीं जाती, वो तो मुझे मेरे अब्बू लगे ही नहीं। तुम उनको इतने सालों बाद मिली हो, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। उनका अंदाज बहुत सर्द था, सुना है उनका मिजाज ही ऐसा है। मिजाज से ही शख्सियत का अंदाजा लगाया जाता है। खैर, तुमसे एक और बात भी करनी थी। हाँ कहो। सेबू, तुम्हारा जवाब सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्या तुम मेरे बारे में सोच नहीं सकती? क्या मेरे जज्बात, मेरे एहसास तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए इतनी बेमोल है? ऐसी बात नहीं है आरिस, मैं तुम्हें इतनी दफा बता चुकी हूँ, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बाकी हालात तो तुम्हारे सामने ही है, आज वो लोग घर आ गए, कल न जाने क्या करेंगे। मैं खुद को इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि मैं उनका मुकाबला खुद कर सकूं। वो लड़कियां बेवकूफ होती हैं जो अपना करियर नहीं बनाती। सेबू, तुम मेरी बात तो समझ नहीं। अरे, समय चलना चाहिए, खाला मियां और सफीना खाला वेट कर रही हैं। जी, वापस आ गया और जेबू को लेने भी पहुंच गया, उसने इनकार कर दिया तो उठकर चले गए दोनों मियां बीवी। सिकंदर का वही मिजाज, वही बदमिजाजी। उसने तो जेबू के सर पर शफकत भरा हाथ तक नहीं रखा, ना ही उससे ढंग से बात की है। वो तो ऐसे मिल रहा था जैसे उसे जबरदस्ती मिलवाया जा रहा हो। समझ नहीं आ रहा इतने सालों के बाद उसे जेबू को वापस ले जाने का ख्याल कैसे आ गया, जबकि वो खुद उसे यहीं छोड़कर गया था। पता नहीं उसे ये ख्याल ही क्यों आया। वैसे दूसरी बीवी के साथ उसका रवैया कितना अच्छा था, और हमारी समीना आपी पर उसने कितने जुल्म किए हैं, और हमें अब दुख और अजियत देने के लिए वो जेबू को अपने साथ ले जाना चाह रहा है। बस इसीलिए हम आपी के साथ यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया सबने,
अगर वो यहाँ आया तो खुद बात कर लेंगे। जी, और वैसे भी जेबू अब छोटी नहीं है, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। वैसे मुझे तो डर लगा हुआ है कि जेबू कहीं उसे रास्ते में ही ना मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा भी अंधेर नहीं बचा हुआ। फवाद, आज तुम जेबू को यूनिवर्सिटी लेकर जाया करोगे और वापसी पे तुम या आर्य उसे पिक कर लेना। जी अबू, ठीक है। सेबू, तुम्हारा सामान। थैंक यू। ये थैंक यू का लफ्ज में सारी जिंदगी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें ये लफ्ज इतना अच्छा लगता है? खास बात लफ्जों में नहीं, लफ्ज कहने वाले लोगों में होती है, और वो खास बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। देखो आरिस, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, कजिन्स हैं, बचपन के साथी हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से तुम मुझसे नाराज हो। सिबू, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम ये फैसला बहुत सोच समझ के करो। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा और फिर तुम्हारा जो भी फैसला हुआ मुझे कबूल होगा। आया अम्मी। दिल की बात करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी खूबसूरत रात है, चांद को देख रही थी। तुम सोए नहीं? नहीं, तुम जो यहाँ पे हो मैं कैसे सो सकता। खालस हो गई? हाँ, हमें भी सोना चाहिए, देर हो गई है। थोड़ी देर और ठहर जाओ। मैंने कल यूनिवर्सिटी जाना है, तुमने ऑफिस जाना है, देर से सोएंगे तो सुबह आँख कैसे खुलेगी? सुनो, ऐसी खूबसूरत रात मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये चांद, चांदनी और तुम, चांद को तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। वो देखो, थी तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ यार, बस फवाद ने देर कर दी। सारा इल्जाम मुझ पे? वाह जेबू, तुम्हारे तो मजे हैं। कभी तुम तहमीना खाला के घर होती हो तो कभी सफीना खाला के। वो एक्चुअली जेबू के दो घर है ना,
वाह भाई, तुम्हारे तो ऐश है। जेबो देख लो, तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ऐशो आराम से बड़ा एतराज है। एतराज नहीं, मैं तो रश कर रही हूँ। हाय क्या कहूँ इस दोस्ती पे। कुछ ना कहो, मेरी दोस्त को मेरी किसी भी बात पर एतराज नहीं हो सकता। कहने दो, हम तो इनकी बातें सुनना चाहते हैं। तुम पहली लड़की हो जो इसकी बातें सुनना चाहती है। ऐसे होते हैं कदरदान। अच्छा अच्छा, चलो भी, क्लास में देर हो रही है, चलो। अच्छा सुनो, तो मैं आरिज लेने आ जाएगा वापसी में, मैं चलता हूँ। वाह भाई, तुम्हारे तो मजे हैं। एक कजन लेने आता है तो दूसरा छोड़ने। सच्चू के आने से पहले खाना रेडी कर देना, अब तो जेबू को भी टाइम नहीं मिलेगा किचन का। हाँ क्या सोच रही है? बस कुछ नहीं आपा, बुढ़ापा आ गया है लेकिन फिक्रें और परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही। हाँ ये फिक्रें तो अब जिंदगी भर साथ चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। मैं आप लोगों के लिए पुलाव लाई हूँ। अम्मा ने कहा था सफीना खाला के हाथ दे आओ। अम्मी को बहुत शुक्रिया कहना, बहुत ख्याल रखती है हमारा वो। जी वो जेबू वापस आ गई क्या? आज सुबह मैंने उसे फवाद के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा था। बेटा जेबू का आना जाना तो लगा रहता है। लगता है जेबू का भी दिल वहाँ नहीं लगता। हमारा भी दिल नहीं लगता उसके बगैर। जी लाफेस। बर्तन में भेज दूंगी ठीक है। क्या तुम्हारे अबू पाकिस्तान आ गए और वो तुमसे मिलने भी आए थे? हाँ वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे मगर मैं उनके साथ नहीं गई। बाहर से आए हैं, तुम्हारे लिए तो खूब तोहफे तहाइफ लाए होंगे है ना? हाँ लाए थे एक तोहफा, मेरी सोती ली अम्मी। क्या वो भी आ गई थी? हाँ लेकिन वो मुझे बहुत अजनबी से लगे, मैं उन्हें अपना समझ ही नहीं पाई। क्यों अजनबी से क्यों लगे? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छे तरह से बात नहीं की? मैं इस बात की वजाहत नहीं कर सकती, उनके अंदाज में अपनायत और मोहब्बत नहीं थी, उनके लहजे में अजनबियत थी। तो तुम इसीलिए उनके साथ नहीं गई? मैं उनके साथ क्यों जाती? मैं खाला अम्मी को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे अब्बू और मरहूमा अम्मी की कोई लड़ाई हुई थी? क्या उनके बनती नहीं थी आपस में? मैंने तो सुना यही है कि अब्बू अम्मी से बहुत नफरत करते थे, और इसकी वजह क्या थी ये मैं नहीं जानती। अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू मुझे खाला अम्मी के पास छोड़कर बाहर चले गए थे। अब इतने सालों बाद वापस आए, खाला ने भी मुझे कभी भी अम्मी और अब्बू की लड़ाई की वजह नहीं बताई, ना ही वो मुझे बताना चाहती है। ऐसी क्या बात हो सकती है? तुम्हारे अब्बू ने इतने साल नफरत में ही गुजार दिए? पता नहीं, कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता। जरूर कोई ऐसी बात होगी जो किसी को बताई नहीं जा सकती। पता नहीं। सिबू मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने अब्बू से जरूर मिलना, उनसे पूछना, क्या पता वही तुम्हें कुछ बता दे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम उनसे जरूर मिलने जाना, रहना नहीं बस मिलकर वापस आ जाना। नहीं उनके घर पे तुम्हारा भी तो हक है ना। मैं उनकी कोई भी चीज पर अपना हक नहीं समझती हूँ। बेवकूफों वाली बात मत करो सीधी, इतना अरसा बाहर रहकर आए हैं, खूब पैसा कमाया होगा भाई, उनका घर तो बहुत आलीशान और खूबसूरत होगा भाई, करोड़ों की कोठी होगी, उस पर तुम्हारा भी तो हक है ना, तुम वारिस हो। अगर तुम हर चीज से गिव अप कर दोगी ना तो वो भी तुम्हें हर चीज से निकाल देंगे। कि तुम क्या बातें कर रही हो सबा? ठीक कह रही हूँ मैं जेबू, तुम जरूर उनसे मिलने जाया करो,
ऐसे अपना हक ना छोड़ो। चलते हैं, आरिज आ गया होगा। कजन आ गया। इतनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहे हैं? चलें। चल। खैरियत, आप यहाँ? मैं अपनी बेटी को देखने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जेबू को लेने आया हूँ। ये कौन है? ये मेरे अब्बू हैं। वाकई? कैसी है बेटा? ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। अच्छी बात है। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, आ रहे इस मुझे पहुंचा देगा। जेबू, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई गैर नहीं। तुम मेरे साथ भी जा सकती हो। मुझे शुरू से आ रहे इसके साथ जाने की आदत है। आप तो अब आए। चलो आ रहे इस। चलो। खाली यूनिवर्सिटी आ गए। मैं तो खुद हैरान हूँ। तुमने उनको अपनी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट के बारे में बताया होगा? बताया तो था, लेकिन वो अचानक ही यूनिवर्सिटी आ जाएंगे ये मुझे नहीं पता था। पता नहीं क्यों आ गए। तुम्हारे अब्बू हैं, उसे मिलने तो आ सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों अजनबी से लगता। तो मैं तो अजनबी नहीं लगता। तुम्हें तो बचपन से देखा है मैंने। बचपन गुजर गया, अब हम बड़े हो गए और इस उम्र में लोग मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी इसमें मोहब्बत का आगे क्यों टच है? तुम मेरी मोहब्बत को समझती नहीं। तुम्हें तो अपने करियर और स्टडीज के साथ बस लगाओ है। हाँ तो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन इस सफर में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। अच्छा चलो, खाना खाने चले। खाला? हाँ, लंच टाइम है और मुझे बहुत भूख लगी है जेबू। खाला अम्मी इंतजार कर रही होंगी, देर हो रही है। कुछ नहीं कहेंगी खाला, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सिर्फ आधा घंटा लेट होंगे। प्लीज चल। हाँ ये लो जेबू, तुम्हारा फेवरेट बन कबाब, गोल गप्पे और समोसे। हाँ, ऐसे तुम सारा वक्त ना अपनी पढ़ाई में बिजी रहती हो। कहो तो मैं ट्यूशन पढ़ा दूं। शुक्रिया, लेकिन मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने सब लेक्चर्स बहुत तवज्जो से सुनती हूं। क्या बात है, काश हमें भी थोड़ी तवज्जो मिल जाती। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं चाहता हूं तुम मेरे बारे में सोचो तो सही।
क्या खबर इसी तरह तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। हंस लो, हंसती हुई अच्छी लगती हो। तुम भी बुरे नहीं लगते। अच्छा, थैंक यू, आई एम ग्लैड आपने नोटिस तो किया। अच्छा कुछ खाओ ना, खा क्यों नहीं रही, कुछ और मंगवाऊं? नहीं, इतना कुछ तो मंगा लिया। चलो लो भाई, सिकंदर अब जेबू की यूनिवर्सिटी भी पहुंच गया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने अरसे बाद उसको जेबू का ख्याल आया कैसे, वो चाहता क्या है आखिर? देखो बेटा, वो कुछ भी चाहे और कुछ भी कहे, तुमने उसके साथ हरगिज नहीं जाना। जी खाला, मुझे पता है। वही जेबू समझदार है, अब वो बची नहीं रही। वो जानती है कि सिकंदर ने समीना को तंग किए रखा, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से ही चली गई। लेकिन मैं अम्मी की तरह कमजोर नहीं बनना चाहती हूँ, मैं बहादुर और मजबूत बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, और मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जुल्म नहीं कर सकते, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। शाबाश बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। काश समीना भी तुम्हारी तरह मजबूत हो जाती, अपने हक के लिए आवाज उठा सकती। वैसे सिकंदर खालू की प्रॉब्लम क्या है? अगर वो जेबू से मिलना चाहते हैं तो यहाँ आकर मिल लें। अरे बेटा, तुम उसको नहीं जानते, वो खुदगर्ज और लालची इंसान है, वो शर पसंद है, वो हमें आराम और सुकून से नहीं रहने देगा। तुम लोग अभी उसकी फितरत को नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ सिकंदर तुम्हारा बाप है, लेकिन वो किसी के साथ मुखलिस नहीं है। अब मैं उनकी वजह से घर में कैद तो नहीं रह सकती हूँ ना? आप लोग फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और अबू जानते हैं कि वो मुझे जबरदस्ती यहाँ से नहीं लेके जा सकते। बेटा, तुम्हारा एतमाद तुम्हारी ताकत है, खुद एतमादी हथियार होती है। मैं आप लोगों को छोड़कर कभी अबू के पास नहीं जाऊंगी। अब अपनी बात पर कायम रहना। हाँ, जेबू अपनी बात पर कायम रहेगी, हम जानते हैं इसे। आपको क्या जरूरत थी उसकी यूनिवर्सिटी जाने की? क्यों, क्या हो गया अगर मैं वहां चला गया? अपनी बेटी से मिलने गया था वहां पे। वो अपने ननियाल में खुश है, उसके लिए वो लोग इम्पोर्टेंट है जिन्होंने उसे पाला है। बाप हूँ उसका मैं, उसे यहाँ होना चाहिए, इस घर के अंदर होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगी। क्यों, क्यों नहीं आएगी वो यहाँ? आज गया था मैं उसकी यूनिवर्सिटी उससे मिलने के लिए, उसका खालाजाद आया था उसे यूनिवर्सिटी लेने के लिए, उसे लेके चला गया मेरी नजरों के सामने से, उसे ठीक तरीके से उससे बात तक नहीं की। उसके ननियाल वालों ने उसकी तरबियत ही नहीं की है। सिकंदर, आप उसको उसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ते थे? वो यहाँ कभी नहीं आएगी, वो हमें अपना कभी नहीं समझेगी। तुम्हारी अकल वहां तक नहीं जा सकती जहां तक मेरी सोच जा सकती है। जेबू का इस घर में आना बहुत जरूरी है, और हमारे लिए भी यही ठीक है। कैसे? तुम नहीं समझोगे इस बात को, बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि जो मैं कह रहा हूं उसी पर अमल करो। आप चाहते थे मैं चाहता हूँ कि जेबू को हम इस घर में लेके आ जाए और यहीं से उसकी शादी करें। मैं मजीद उसे ननियाल में नहीं देखना चाहता उसके। सिकंदर, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होगी,
और वो कोई बच्ची नहीं है जिसे जबरदस्ती उठा के आप इस घर में ले आएंगे। इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? शगुफ्ता एक बात याद रखो, सिकंदर ने हारना नहीं सीखा। आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? दिल डरता है, सिकंदर बार बार क्यों आ रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है? उनका जो भी मकसद हो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। मुझे आपने पाला है खाला, आपकी मोहब्बत और शफकत मेरे लिए काफी है। फिर भी उसका बार बार आना बिला सबब नहीं है, जरूर उसने कुछ सोच रखा है। वो बहुत शातिर आदमी है, बगैर अपने फायदे के कोई काम नहीं करता वो। आप उनकी फिक्र ना करें खाला, वो अच्छी तरह से जान चुके हैं कि मैं कभी भी उनके साथ नहीं जाऊंगी, और बार बार आएंगे तो एक दिन खुद ही थक जाएंगे। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस जेबू को समझा रही थी। ये बहुत सादा और मासूम है, लोगों की चालबाजियां समझ में नहीं आती इसे। ये तो है, मगर हमारी जेबू की सादगी और मासूमियत ही तो उसको सबसे अलग करती है। लेकिन बेटा, दुनिया के साथ चलने के लिए होशियारी करना तो जरूरी है ना? आप क्यों फिक्र करती हैं खाला, हम अपनी जेबू को कहीं नहीं जाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, बैठ। दादी, आपको पता है आज क्या हुआ? हाँ। आज तो जेबू के अब्बू यूनिवर्सिटी तक आ गए। मैं तो घबरा ही गई देखकर, इतने स्ट्रिक्ट आदमी लगते हैं। अरे वो उसका बाप है, मिलने के लिए आया होगा, और फिर बाप तो बाप होता है, तू काहे को घबरा गई? जी नहीं, वो जेबू को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। दादी, जेबू उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती, वो तो अपनी खालाओं के साथ रहना चाहती है। तू देख लेना, वो जरूर एक ना एक दिन अपने अब्बा के पास चली जाएगी। लिख ले मेरी बात कहीं तो। दादी, मुझे नहीं लगता। अरे बेटा, तुझे लोगों को परखने का तजुर्बा ही कहाँ है अभी? तू तो बस जो जेबू ने कह दिया तूने मान लिया। दादी, मुझे जेबू का घर और उसकी फैमिली बहुत पसंद है। काश मेरी भी इतना प्यार करने वाली खालाएं होती, इतने प्यारे और हैंडसम कजन्स होते, मजा ही आ जाता। आए मेरी बच्ची, देख लेना, एक दिन तेरी भी बहुत अच्छे खानदान में शादी होगी। सब लोग तुझे बहुत प्यार करेंगे, और तू अपने शौहर के घर में रहेगी और उसका दिल जीत लेगी तू। हाँ, क्या कर रही हैं आप? छोड़ छोड़, खबरदार मेरी चीजों को छेड़। दादी, मुझे भी तो सीखना है ना। अरे नहीं, हट हट, परे हाथ ना लगाना इसको। अच्छा चलो, देख तो सकती हूँ ना। हाँ, देख ले देख ले। क्या बना रही है खाला? से क्या बातें कर रहे थे तुम? क्या कह रहा था? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम क्या कह रहे थे। तो कुछ गलत तो नहीं कहा था? आरिस, तुम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों नहीं समझती जेबू? अब तो तुम्हारे अब्बू भी आ गए हैं, वो भी तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे, उनकी दुआओं के साए में तुम रुखसत होगी। शादी? आरिस, तुम जानते हो कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने से पहले शादी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, पर मंगनी तो कर सकते हैं। मंगनी? हाँ, और फिर तुम अपनी यूनिवर्सिटी में जाके फखर से अपने दोस्तों को बता सकती हो कि तुम्हारा एक मंगेतर है जो तुम्हें बेहद मोहब्बत करता है, बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, और तुम्हें पागलों की तरह चाहता है। तुम्हारी हंसी में ही तो मेरी खुशी है जेबू। पता है, मैंने जो कुछ भी खाला से कहा बिल्कुल सच कहा, मैं तुम्हें यहां से कभी नहीं जाने दूंगा। इतना यकीन है तुम्हें खुद पर? हाँ, और मैं जानता हूं कि एक दिन तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगोगी और इसी आंगन में दुल्हन बनकर आओगी। आरिज,
ये तुम क्या कह रहे हो? अपने दिल की बात। दिल की बात? हाँ, और एक दिन फुर्सत से बैठ के अपने दिल की सारी बातें तुम्हें तफसील से बताना। और वो दिन हमारी शादी का होगा जेबू।